लवर्स एंड डॉग ट्रेनर्स, आज मैं एक्चुअली तो स्मॉल ब्रीड को हैंडल करने जा रहा हूँ। मैं आज ओनर को बता दूंगा कि डॉग को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको लेसन देना है, कब उसको नो एंड हार्ड नो लेसन देना है, बेल बजने के बाद ओनर्स का काम क्या है, तो वो सब मैं आज उनको सिखाऊंगा। प्लस डॉग को हैंडल भी करूंगा, प्लस डॉग को लॉन्ग वेट का लेसन भी दूंगा और जितना हो सके उसका लेसन कराऊंगा आज। लेकिन मुझसे ज़्यादा ओनर्स का रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं ओनर्स को ज़्यादा लेसन दूंगा आज, प्लस डॉग को भी हैंडल करूंगा। जस्ट वॉच। हेलो मोनू, मोनू आपका डॉग अभी कितने महीने का है? 3 महीने। 3 महीने का। कौन सा ब्रीड है? फॉक्स टेरियर एंड फ्रेंच बुलडॉग। अच्छा, तो स्टार्टिंग में तो बहुत हाइपर रहेंगे दोनों भी। हाँ, नहीं, फ्रेंच बुलडॉग थोड़ा सा कम, बट स्नूपी फ्रेंच बुलडॉग ज्यादा। फाइन। फॉक्स टेरियर फॉक्स ज्यादा कूदता है, ज्यादा आपसे डाक के कोई डांट मारता होगा, भागम भागी करता होगा। और दोनों का 1 नंबर 2 नंबर लाइट ही क्लियर है कि घर में ही करते हैं? घर में ही करते हैं, बट कभी कभी चल रहा है प्रोसीजर, लेकिन हुआ है। फाइन फाइन। तो आज मैं आपको डॉग को कैसा हैंडल करना है वो बताऊंगा, प्लस डॉग को लॉन्ग वेट कैसा करना है वो बताऊंगा, प्लस 1 नंबर 2 नंबर का प्रोसेस बताऊंगा। ओके, यस, ठीक है। लुक, नो नो, सिट सिट। हमेशा जब आप उसको, आप जब उसको हमेशा बांध के रखते हो, बांध के रखते समय, निकालते समय, जैसे गए आप उसको ओपन करने के लिए जैसे गए, वैसे दोनों डॉग खुश होके आपके ऊपर डाइने मारना चाहिए। वो जैसा आएंगे आपका नो एंड हार्ड नो, जैसे अगर आपके ऊपर डाइन मारने है तो क्या करेंगे आप? ए नो नो, ए नो। वो टाइम पे आप इमोशनल होके उसको हैंडल मत कीजिए, आप अपने आप को जरा ट्रेनर बन के 20% आप ट्रेनर जैसा हैंडल कीजिए। अगर आप बन के हैंडल किए, डॉग को मालूम पड़ जाएगा कि आप हो, तो वो आपके प्यार के हिसाब से, इमोशनल के हिसाब से आपका बात नहीं सुनेगा। इसलिए जब भी आप आते हो डॉग को हैंडल करने के लिए, वो टाइम पे मैं चाहता हूँ कि आप 20% ट्रेनर जैसा बिहेव करें। जैसे कि अभी आपका दोनों डॉग कैसा बैठा है, जैसा ओपन करने आए दोनों डॉग आपको देख के डाई ने मारना चाहिए। जैसा डाई मारने आया आपका स्टाइल क्या होगा? ए नो नो, या वेट वेट। इसीलिए अपना स्कोल्डिंग बराबर रखिए, आपका पुलिंग और स्कोल्डिंग ठीक रहना चाहिए। लेकिन दिन जाते जाते आपका पुलिंग और स्कोल्डिंग कम होना चाहिए, ना कि ज्यादा। इसीलिए अपना नो एंड हार्ड नो लेसन ठीक रखिए। लेकिन जब भी उसको नो एंड हार्ड नो बोलते समय मुझे इमोशनल नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स आप अपने डॉग को प्यार करते हो, लेकिन वो टाइम पे बताइए मत आप। वो टाइम पे अगर आपने प्यार के हिसाब से, इमोशनल के हिसाब से अगर आपने इसको हैंडल किए, वो आपका बात नहीं सुनेगा। यप, जैसे कि ए नो नो, या वेट। ये दोनों कमांड बोलने के बाद जल्दी रुकिए आप, ऐसे नहीं कि आपने कमांड दिए और डायरेक्ट आपने दोनों को ओपन करने लग गए, तो आपका बात नहीं सुनेगा। और हैंडल करते समय हमेशा सब काम एकदम धीरे से कीजिए। आप गाय गाय लुक, कम कम लुक, वेट वेट लुक, वेट वेट। ये लॉन्ग वेट लेसन है, लॉन्ग वेट। हमेशा एक जगह आपको ऐसा फिक्स रखना है घर में, एक या दो जगह आपको ऐसा फिक्स रखना है जिससे लॉन्ग वेट हो सके।
अगर आपने इसको यही चीज दो तीन महीना अगर आपने इसको मेरे ट्रेनिंग के बाद आपने अगर रिवीजन कराए तो लाइफ लॉन्ग के लिए उसका लॉन्ग वेट ठीक हो जाएगा। ये जगह पे आते ही वो डायरेक्टली ये पोजीशन में चला जाएगा। ये टाइम पे वो कौन सा पोजीशन में है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वेट वेट। अभी आप जरा ऐसा आगे पीछे आओगे, आप यहां से वहां जाओगे, इधर से उधर जाओगे, वो टाइम पे वो आपके पीछे फॉलो नहीं करना चाहिए। वेट वेट, इसका भी ये एक जगह और अंदर अंदर रूम में एक जगह, सिर्फ दो जगह आपको इसको फिक्स रखना है लॉन्ग वेट के लिए। वेट वेट, अभी आप बुलाइए आप, वेट वेट कम एक, आप एकदम पास मत जाइए क्योंकि आज फर्स्ट सेक्शन है। या वेट, अभी आप बुलाइए आप, कम स्लूपी कम स्केचर कम यार वेट। तो ये लेसन अभी मैं सिखाने के बाद आपने भी रिवीजन कराया, फिर जिंदगी भर के लिए वो लोग लॉन्ग वेट का लेसन क्लियर हो जाएगा। या लेकिन ट्रेनर्स का ट्रेनिंग के बाद ओनर्स का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या इसीलिए ये लॉन्ग वेट है। ये लेसन अगर आपका डॉग सीखा तो आप बहुत सारा प्रॉब्लम आप इसका सॉल्व करा सकते हो। वेट ओनर्स को वॉकर को और हैंडलर को वो रिविजन कराएंगे। उसके बाद ओनर्स वॉकर्स और हैंडलर अगर ये तीनों भी अपना रिवीजन किए कंटिन्यू दो या तीन महीने के लिए, तो ये दोनों डॉग्स लाइफ लॉन्ग के लिए काम हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ट्रेनर्स का ट्रेनिंग के बाद ओनर्स वॉकर और हैंडलर्स का रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ने रिवीजन नहीं किए तो ट्रेनर्स का ट्रेनिंग जरा वेस्ट होता है। इसीलिए ट्रेनर का ट्रेनिंग से भी ज़्यादा ओनर्स का वॉकर्स का और हैंडलर्स का उन लोगों का रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपना डॉग के लिए। आपका डॉग कौन सा ब्रीड का है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग वन ईयर हर एक डॉग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए ओनर्स जितना हो सके अपना डॉग का ट्रेनिंग स्टार्टिंग वन ईयर में कीजिए। एक बार आपका डॉग दो साल का तीन साल का होने के बाद अगर वो एग्रेसिव हो गया तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग वन ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्टार्टिंग वन ईयर में ही अपना डॉग का ट्रेनिंग कंप्लीट कराइए और हमेशा प्रोफेशनल ट्रेनर को ही हायर कीजिए, क्योंकि वो ट्रेनर अगर प्रोफेशनल होगा तो ही वो डॉग को भी ट्रेनिंग कराएंगे और ओनर्स को वॉकर्स को हैंडलर्स को भी रिवीजन देंगे, उनको लेसन देंगे कि कैसा डॉग को हैंडल करना है। अगर आपका ट्रेनर प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं होगा तो आपका डॉग काम नहीं होगा। इसीलिए ट्रेनर को हमेशा हायर करते समय हमेशा प्रोफेशनल ट्रेनर को ही हायर कीजिए और स्टार्टिंग वन ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपका डॉग के लिए, भले वो कामनेस होगा या एग्रेसिवनेस होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।